है ना, इससे पूरी तरह से उतरेगा नहीं, कम होगा। अच्छा कौन बताएगा उसमें लाजमा की कितनी किस्में हैं, बताइए। अभी लिखा नहीं है तो याद नहीं होगा, आज जब मैं भेज दूंगा कल लिख लेंगे आप लोग, तो सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, मालूम हो जाएंगी। चलिए तो यहाँ से इसको मॉडल का पीपीटी देख लिया था, पीपीटी में कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते। स्क्रीन शेयर हो रही है, अभी नहीं होती हो रही है सर, हो रही है, वेरी गुड, ठीक है ना। कल पिछले इसमें कल की चीज़ें जो हैं उसको थोड़ा सा रिविजन इसलिए ज़रूरी है, तो याद नहीं रहती वो चीज़ें, फिर से दो बातें समझ लें। दो तरह की फीवर होंगी, या तो लाजमा होगा, लाजमा दायरा, लाजमा और दायमा एक ही चीज़ है और नायबा और दायरा एक ही चीज़ है। लाजमा में बुखार घटता है यानी कि फितरा होता है ना, और दायरा में बुखार उतर जाता है और फिर से आता है जिसकी बारी होती है। ये बात बिल्कुल याद रखनी है। लस्का लस्का किसकी टाइप है, नहीं याद रखेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ। लस्का किसकी टाइप है, दायमा की है या दायरा की है, लाजमा की। और लाजमा की कितनी किस्में है, मुतबका और मुफ्तरा। मुतबका उसको कहेंगे जिसमें जो है बुखार बहुत कम, ना के बराबर जो है, बहुत ना के बराबर कम होगा, फील नहीं आएगा, वो मुतबका है। और मुफ्तरा में कम होगा तो पता चलेगा कि हाँ कम हो रहा है। हम्माद अली, हम्माद अली कौन है, हम्माद अली किसी दूसरे का मोबाइल यूज हो रहा है क्या, प्रोसेस क्या है, जल्दी हो जाएगा प्रोसेस। अम्मार साहब अनम्यूट करिए और इंट्रोड्यूस करिए। मीर सिंह क्या कह रहे हैं, दूसरे का मोबाइल यूज हो रहा है, अम्माद अली पार्टिसिपेंट को दिखाई दे रहा है। मीर सिंह सर, हाँ अम्माद साहब, किसका मोबाइल यूज हो रहा है, मैं आपको वो पहचान नहीं पा रहा हूँ, बताए फिर से। यूसुफ साहब है क्या, हेलो, हाँ हेलो, मैं सर यूसुफ यूज कर रहा हूँ, एक्चुअल में मेरे बच्चे का है, वो क्लास करता है ऑनलाइन, तो उसी का था, हम आए अभी ऑफिस से तो उसी का ये क्या हुआ था, तो डजंट मैटर, पता होना चाहिए, गुड खैर। तो हुम्मे लाजमा की कितनी किस्में, हुम्मे लाजमा दो बातें बिल्कुल ध्यान में अच्छी तरह से बैठा लें, ठीक है, वो कर लें, वीडियो ऑफ कर लें और म्यूट कर लें, दो बातें अच्छे तरीके से बैठा लें, म्यूट कर लें, अपने आप को म्यूट कर लें। लाजमा और दायरा, लाजमा और दायमा एक चीज़ है, नायबा और दायरा एक चीज़ है। दायरा में क्या होगा, बारी आएगी, बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लाजमा में क्या होगा, बुखार रहेगा। लाजमा की दो किस्में, मुतबका। अब जब आएगी, अच्छा मैं पूछूँ मुआजबा, मुआजबा क्या है, मुआजबा को डिफाइन कीजिए, कोई जिससे पूछूंगा वही बता जाएगा। मुदस्सिर, नायबा, इसको हम मुआजबा कहेंगे, मुआजबा कौन सा बुखार है, मुआजबा सर नायबा के किस्में सर जो है ना, हाँ ठीक है, मुआजबा नायबा किस्में, इसमें होता क्या है, इसमें बारी कब आती है, एक दिन के बाद, तीन दिन के बाद, सर एक दिन के बाद, हाँ ये भी और याद रख, चलो ठीक है कोई मसला नहीं, हम पढ़ते हैं, है ना, ये तो याद रखना इतना आसान नहीं है, याद रखने में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है हमेशा, ठीक। इसको हम लोग फिर से रिविजन करते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा, देखिए फितरा अगर रोज लागू हो तो लस्का करते हैं, यानी कि लस्का किस किस्म होगी, लस्का किस्म होगी हुम्मे दायमा की, हुम्मे लाजमा की, उसमें फितरा होगा, हर रोज बुखार उतरेगा नहीं, घटेगा फिर हो जाएगा, घटेगा फिर हो जाएगा, घटा तो फितरा होगा, ठीक। अगर तीसरे रोज हो तो उसको गिबेल आत्मा कहेंगे, तीसरे रोज होगा तो उसको गिबेल आत्मा कहेंगे, और चौथे रोज होगा तो रिबेल आत्मा कहेंगे, यानी कि लस्का हो, रिबेल आत्मा नाम ही बता रहा है, रिबेल आत्मा, ये तीनों किस्म है लाजमा की, इसमें तीनों में फितरा होगा,
फितरा होगा मतलब घटेगा उतरेगा नहीं। फितरा कब होगा? एक में एक रोज के बाद होगा, हर रोज एक में, तीसरे रोज एक में। ये बात खत्म हो गई किसकी? ये बात खत्म हो गई लाजमा की। अब आए नायबा, जिसमें बुखार उतर जाता है, जिसमें बारी आती है, जिसको हम दायरा भी करते हैं, सर्किल बनाता है। अगर बुखार रोजाना उतर जाए तो मुआजबा, अगर तीसरे दिन उतरे तो गबे दायरा, और चौथे दिन उतरे तो रबे दायरा। ठीक, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना था यहाँ से उम्मे सलीमा बेखतर बुखार, जिसमें जिसमें किसी तरह का खतरा ना हो। उम्मे खबीसा खतरनाक हो, उम्मे आरा जिन बुखारों में गर्मी हो, नाम से ही पता चल रहा है नाफजा, ये आता है नाफजा कहते हैं लर्जा को। उम्मे नाफजा किसको कहेंगे? जिसमें लर्जा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो उम्मे नाफजा होगा वो कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। सिर्फ क्या है कि उम्मे नाफजा अगर किसी, जैसे मान ली उम्मे जामिया में भी लर्जा आ रहा है, तो इसमें भी नाफजा, अगर लर्जा है तो उम्मे नाफजा के अंदर आएगा। उम्मे नाफजा की कोई बहुत सारी किस्में नहीं होंगी, जिसमें भी लर्जा हो गया यानी कि नाफजा के अंदर आ गया, नाफजा की कोई अलग से नहीं डिफिनेशन होगा। नाफजा जिसमें लर्जा आ जाएगा वो नाफजा, जिसमें जिसमें दाने निकल जाएंगे तफीहा, एक्यूट फीवर है तो हादा, क्रोनिक है तो मुजमिना। अब ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की। तरामा किसको कहते हैं? जब मैल जम जाए तो तरामा कहलाता है। अब बुखार की पहली अलामत सुकूत इश्तहा है। सुकूत इश्तहा मतलब भूख का ख़त्म हो जाना, है ना? सुकूत इश्तहा मतलब भूख का ख़त्म हो जाना, भूख नहीं लगने को हम कहते हैं सुकूत इश्तहा। हम मॉडर्न में क्या कहते हैं इसको? लॉस ऑफ एपेटाइट। तो इंग्लिश वर्ड हो गया, मेडिकल टर्म क्या होगी? बसीत का मतलब एक होता है, तो जब एक ही किस्म का बुखार हो तो हमने बसीत कहलाएगा। इसको याद क्या करना, याद करने की जरूरत नहीं। बसीत मतलब एक, आप पढ़े ना अरकान, वो बसीत मादा है जिसके ज्यादा ना अलग हो सकते हैं ना उनको अलग किया जा सकता है, इसलिए बसीत कहला है सिंगल। तो हमने बसीत एक ही तरह का है, नाम से पता चल रहा है बसीत एक, तो एक ही किस्म का बुखार हो तो बसीत कहलाएगा। मुरक्कब कहलाएगा जब एक वक्त में दो या दो से ज्यादा बुखार एक साथ जमा हो जाए। दो तरह के बुखार हो गए तो जाहिर सी बात है इसको हम नाम देंगे हुम्मे मुरक्कब। अब हुम्मे मुरक्कबा जो है इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको हमको आगे पढ़ेंगे, उसमें इतने ज्यादा डिफिनेशन और इतनी ज्यादा ये है कि आप उसको सोच नहीं सकते, है ना? समरकंदी ने बुखार को तीन, अब सवाल आया कि समरकंदी के मुताबिक बुखार को कितने में डिवाइड किया गया है? तो तीन में, हुम्मे यौम, तपेदिक, हुम्मे अफूनी। तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी रही है डोमिनेंट, तो उसको अलग से बताया गया, है ना? तपेदिक ऐसी बीमारी रही है जिसको अलग से ट्यूबरक्लोसिस को बयान किया गया है और उसके बारे में। लेकिन हुम्मे यौम एक बार ये आ गया था, हुम्मे यौम की कितनी किस्में? तो 22, है ना? बुखार खत्म होते हैं। अब इसमें मेन क्या क्या चीज़ें याद करना है? मेन याद करना है कि अगर सफरावी मिजाज वालों को हुम्मे यौम होगा और उसको गजा से रोक दिया जाए तो क्या होगा? बुखार तिब्बे मुहर्रिका या तिब्बे दिक में बदल जाएगा, और दमी मिजाज वालों को हुम्मे मुतबका में बदल जाएगा। ये तो लाइनें हो गई। सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा कि हुम्मे यौम गजा रोक देने पर मुतबका में तब्दील हो जाता है। हुम्मे यौम गजा रोक देने पर मुतबका में तब्दील हो जाता है किन लोगों का? दमवी मिजाज, सफरावी मिजाज, सौदावी मिजाज, बलगमी मिजाज, है ना? पैटर्न बदल गया। यहाँ मुतबका हो जाता है किसको? दमवी मिजाज होगा, लेकिन और मुहर्रिका किसको हो जाएगा? सफरावी। तो अब इसमें भी हमको याद नहीं करना है। क्या याद करना है? सफरावी जाहिर सी बात है गर्म मिजाज वाले लोग हैं, सफरावी गर्म मिजाज वाले लोग हैं, कम वाले में, तो ये मुहर्रिका की तरफ जाएगा। उससे कम दमवी वाला है तो मुतबका की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए मुतबका ना लिखा हो, जरूरी नहीं कि मुतबका लिखा हो, मुतबका के जगह पर अगर हुब्बे लाजमा लिख दिया तो तब भी बात वही होगी, क्योंकि हुम्मे लाजमा का ही एक टाइप है मुतबका, है ना? हुम्मे लाजमा का टाइप है मुतबका। हम पढ़ रहे हैं मुफ्तरा और मुतबका, दोनों किसके टाइप है? दोनों टाइप है हुम्मे लाजमा। दमवी वाला मुतबका की तरफ जाएगा, सफराई वाला जाएगा आपका मुहर्रिका की तरफ। ठीक, मुहर्रिका, मुहर्रिका मतलब गर्मी उसमें ज्यादा हो, या दिक की तरफ जाएगा। तो एक बात याद है कि अगर गजा रोक देने पर मुतबका की तरफ बदल जाता किन का? सफरावी, बलगमी, दमवी, सदावी। तो क्या आंसर होगा? किसका किसका बदल जाएगा? दमवी मिजाज वालों का। किन मिजाज वालों का मुहर्रिका में बदल जाएगा? तो सफरावी मिजाज वालों का। कौन सा बुखार? तो हुम्मे यौम। सवाल है हुम्मे यौम तब्दील हो जाता है गजा रोकने पर सफरावी मिजाज वालों का। सवाल बदल गया।
सफरावी मिजाज वालों का हुम्मे योम तब्दील हो जाता है तिब मोहरिका में, तिब मुदबका में, तिब सुनोखस में, कुछ भी हो सकता है। क्या अंतर होगा भाई? मोहरिका में बदल जाता है, हीट टू हीट, हीट टू हीट। हिम्मे मुदबका है वो बुखार है जो खून के उफूनत से पैदा होता है। अब इसलिए एक बार सवाल आ गया था कि किताब अबिजीमिया किसकी किताब है, यही 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 सवाल था। अबिजीमिया किसकी किताब है? तो बुकरात की किताब है ना, अबिजीमिया बुकरात की किताब है जिसमें तेज बुखार का मुनत लाभ हुआ करता है। हाँ, मुंबई ओम बगैर लर्जा के शुरू होता है, पसीने से उतर जाता है। अभी वो बेसिक दो बातें सबको याद है कि नहीं वो मुझे पूछनी पड़ेगी, अदरवाइज उससे जैसे। हाँ हिना रहमानी, अनम्यूट करो जरा। Yes, sir. हाँ चलो बताओ जल्दी से कि मुआजबा जो है वो किसकी किस्म है, दायमा की है या दायरा की है? दायमा की है या दायरा की है? ये दो में से अभी क्या होता है उसे छोड़ो, ये दायमा की किस्म है या दायरा किस्म है? दायरा की किस्म, दायरा की किस्म है या नायबा की किस्म है? इसमें क्या होता है, इसमें बारी आती है या फितरा आता है, पहले ये बताओ। फितरा आता है सर। उस किस्म मुआजबा में हो गया ना गलत? जी सर गलत हो गया। जब तक माइंड में बैठ नहीं जाएगा उसको बोलते रहूंगा गलत हो गया। कुछ बेसिक बातें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए भाई। अगर आप कह रहे हैं कि ये है दायरा की किस्म, तो दायरा में तो फितरा का कोई काम ही नहीं है। दायरा और फितरा दोनों अलग अलग है। दायरा में बारी आएगी, अच्छे से सब लोग समझ लीजिए, लाजमा में क्या होगा, फितरा होगा या बारी आएगी? बारी आएगी सर। फितरा होगा, फितरा। सॉरी सर, सॉरी। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, है ना? तो यानी कि कुछ लोग समझे, कुछ लोग उसको नहीं याद कर पा रहे, तो फिर से बोलूंगा। लाजमा सुनिए, लाजमा दायमा एक ही चीज है। जब लाजमा कह रहे हैं इसमें बुखार कभी भी उतरेगा नहीं, इसमें फितरा होगा, रट जाना है। लाजमा में फितरा होगा, बुखार सिर्फ घटेगा, है ना? इसकी किस्म क्या है? इसकी तीन किस्म है। एक तो है मेन किस्म मुदबका और एक है मुफ्तरा। मुदबका किसको कहेंगे जिसे बुखार उतरे लेकिन एहसास नहीं हो, इतना कम वेरिएशन हो कि पता ही नहीं चले, उन मुदबका कहलाएगा। फितरा कहते हुए जिसमें बुखार घटे, उतरने का तो कुछ सवाल है, बुखार घटे और एहसास हो तो मुफ्तरा। अब जब फितरा की बात होगी तो अब इसकी तीन किस्में हैं। लस्का जिसमें रोज फितरा आता है, बारी नहीं फितरा घटता है। और जब कह रहे हैं रेबेल आजमा, तीसरे दिन फितरा आता है। रेबेल आजमा चौथे दिन फितरा आता है, बारी नहीं आती घटता है। ऐसे बात हम करें नायबा और दायरा की, तो उसकी भी अब इसमें क्या होगा, दायरा का मतलब है जहां से स्टार्ट हुआ वहीं वापस आ जाना, जहां से स्टार्ट हुआ वहां वापस आ जाना, यानी कि 97 डिग्री से बढ़ना शुरू हुआ वापस यहीं आ जाए फिर बढ़े, तो एक दायरा बना लिया। यानी कि इसमें बारी आएगी, इसमें उतर जाएगा बुखार, अब फिर चढ़ेगा। तो नायबा और दायरा की फिर तीन किस्में हो जाएंगी। कौन सी? मुआजबा। अब मुआजमा में फितरा आएगा कि बारी आएगी? दायरा की बारी आएगी। अब याद मुआजमा में बारी कब आएगी? रोज आएगी, ठीक। और जब हम कह रहे हैं रेबे दारा तो तीसरे दिन बारी आएगी, रबे दारा तो चौथे दिन बारी आएगी। ये तो छह, ये क्या छह पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए, तभी फिर आगे, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आने वाली है। क्लियर हो गया? किसी से भी पूछूंगा बता देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। हाँ यूसुफ साहब अनम्यूट करिए जरा। आपको ये बताना है कि दायरा में, हुम्मे दायरा में फितरा होता है या बारी आती है? हुम्मे दायरा में या नायबा में फितरा होता है या बारी आती है, आपको बताना है। बारी आती है सर, बारी आती है। वेरी गुड, बारी आती है। यानी कि आज वो पता है कि तो मुआजबा किसकी किस्म है, दायरा की किस्म है कि लाजमा की किस्म है? मुआजबा दायरा की किस्म, दायरा की किस्म। वेरी गुड, मुआजबा दायरा की किस्म। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। हाँ नुसरत साहिबा अनम्यूट करिए जरा। था जी सर। हाँ वेरी गुड जी। आपको ये बताना है कि लिस्का दायरा की किस्म है या लाजमा की किस्म है? सर लाजमा की। वेरी गुड। इसमें बारी आती है कि फितरा आता है? इसमें फितरा आता है। वेरी गुड। तीन दिन में आता है कि हर रोज आता है? लिस्का में रोज आता है। वेरी गुड।
वो म्यूट कर लीजिए, बहुत अच्छा। अब थोड़ी थोड़ी बात दिमाग में बैठ गई, अभी आपको याद रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हुम्मे योम इसका बुखार है जाली, उसने 3 दिन तक का, ये सब इसमें समझाना है। समझाना क्या है, मीनिंग मीनिंग से आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह की, सिर्फ यही पूछता ही है।